बिग बॉस 17 खत्म हो चुका है, मुनव्वर फारूकी ट्रॉफी जीत चुके हैं, लेकिन अभी तक लोगों के जो रिएक्शंस हैं वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। मुनव्वर फारूकी के शो जीतने के बाद जहां उनके फैंस के बीच एक जश्न का माहौल देखने को मिला, तो वहीं कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें मुनव्वर फारूकी की जीत बिल्कुल भी समझ नहीं आई। कुछ लोगों का मानना है कि मुनव्वर शो तो जीत गए हैं लेकिन वो डिजर्विंग विनर नहीं है। अब इसी लिस्ट में अंकिता लोखंडे ने मुनव्वर फारूकी की जीत पर निशाना साधा है। बिग बॉस 17 में सबसे मजबूत कंटेस्टेंट्स में शामिल अंकिता लोखंडे ने मुनव्वर की जीत पर रिएक्शन दिया है। दरअसल अंकिता लोखंडे को ये पूरा भरोसा था कि बिग बॉस 17 की ट्रॉफी जो है वो उनके हाथों में आने वाली है। कम से कम टॉप 3 में पहुंचने को लेकर तो वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी, लेकिन जैसे ही फिनाले ले आया अंकिता लोखंडे चौथे नंबर पर ही घर से आउट हो गई। अब चौथे नंबर पर बाहर आना, टॉप 3 में भी नहीं आ पाना, यहां तक कि बिग बॉस की ट्रॉफी भी उनके नाम ना हो पाना, लगता है कि उन्हें काफी ज्यादा बुरा लग गया है। यही वजह है कि लेटेस्ट इंटरव्यू में अंकिता लोखंडे ने मुनव्वर की जीत पर निशाना साधा है। बिग बॉस 17 में अंकिता लोखंडे फोर्थ नंबर पर एलिमिनेट हो गई थी, वहीं मुनव्वर फारूकी शो के विनर बने जबकि अभिषेक फर्स्ट और मनारा सेकंड रनर अप बनी थी। अंकिता लोखंडे बिग बॉस 17 के रिजल्ट से ज्यादा खुश नजर नहीं आई है क्योंकि उन्होंने कहा है कि बिग बॉस अब पर्सनालिटी गेम नहीं रह गया है, यहां सिर्फ ज्यादा वोट्स मायने रखते हैं। अंकिता का मानना है कि मुनव्वर का जीतना उनके लिए काफी हैरान करने वाला है क्योंकि बिग बॉस के घर में मुनव्वर ने ऐसा कुछ नहीं किया कि ट्रॉफी उनके नाम कर दी जाए। अंकिता लोखंडे ने लेटेस्ट इंटरव्यू में मुनव्वर फारूकी को लेकर कहा कि बिग बॉस अब पर्सनालिटी का शो नहीं रह गया, मुझे एक और चीज लगती है कि सिर्फ यहां शोहरत मायने रखती है और ऐसा होना चाहिए कि जितने भी कंटेस्टेंट्स उनके बराबर फॉलोअर्स होने चाहिए। इसके साथ ही अंकिता लोखंडे का कहना है कि किसी के कम है किसी के ज्यादा फॉलोअर्स तो कोई गेम खेलेगा ही नहीं, ऐसा है तो मैं इनपुट देती नहीं क्योंकि मेरे तो बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं, अब ये पर्सनालिटी से ज्यादा शोहरत शो बनकर रह गया है। अंकिता लोखंडे के इस स्टेटमेंट पर क्या कहना चाहते हैं आप, जो भी आपकी राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।